आपके अपने चैनल जी आई टी एजुकेशन में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। टैली की न्यू वीडियो की सीरीज में आज का टॉपिक हम लोगों का है जीएसटी मास्टर्स। जीएसटी मास्टर क्या हैं? जीएसटी मास्टर्स में ऐसे लेजर्स को रखा गया है जिनका प्रयोग हम जीएसटी के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करने के लिए बार बार करते हैं। यानी आज का लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसी लेजर्स के आधार पर हम आगे के क्लासेज में जो भी ट्रांजेक्शन होगी उन ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर लेजर पहले से बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमको बार बार लेजर क्रिएट नहीं करना होता है। ये सबसे मेन बेनिफिट है जीएसटी मास्टर्स का। जीएसटी मास्टर्स में किन किन टॉपिक को कवर किया जाएगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल टैक्स क्या होता है, फिर स्टेट टैक्स क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है, परचेज लोकल क्या है, परचेज इंटर स्टेट क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, सेल्स लोकल, सेल्स इंटर स्टेट एंड सेल्स रिटर्न। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जीएसटी में जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो ट्रांजेक्शन हमारे लोकल ट्रांजेक्शन होते हैं। वो ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जब हम अपने ही स्टेट के किसी डीलर से गुड्स परचेज करें या गुड्स सेल करें। सेम यही केस सर्विसेज के साथ भी लागू होती है कि अगर अपने ही स्टेट के किसी डीलर से हम कोई सर्विसेज परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन हमारे लोकल ट्रांजेक्शन कहे जाते हैं। जीएसटी रेजिमे में लोकल ट्रांजेक्शन को जीएसटी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटर स्टेट अलग टर्म है और इंट्रा स्टेट अलग है। तो चाहे हम उसको लोकल कह लें या इंट्रा स्टेट कह लें, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दो डिफरेंट चीज़ हैं। सेम ऐसे जब हम अपने स्टेट के बाहर किसी डीलर से कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं या अपने स्टेट के किसी बाहर डीलर को गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं तो वह ट्रांजेक्शन हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है। यानी ट्रांजेक्शन जीएसटी में देखा जाए तो सिर्फ दो ही प्रकार के हैं, एक लोकल ट्रांजेक्शन और दूसरा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अब लोकल ट्रांजेक्शन के केस में हम लोग सेंट्रल टैक्स का इस्तेमाल करते हैं और स्टेट टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। सेम ऐसे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के केस में हम लोग इंटीग्रेटेड टैक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन लोकल होता है तो वहाँ पर हम परचेज लोकल या सेल्स लोकल का इस्तेमाल करते हैं। सेम ऐसे अगर हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट हो रहा है तो अगर वो परचेज की एंट्री है तो परचेज इंटर स्टेट और सेल्स की एंट्री है तो सेल्स इंटर स्टेट। यानी इन सब लेजर्स का आगे बहुत ही यूज होने वाला है। आई होप अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस लेजर्स का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है अपनी कंपनी में जीएसटी के फीचर्स को इनेबल करते हैं। अगर जीएसटी के फीचर्स को नहीं इनेबल करेंगे तो ये सारे लेजर्स हमारे नहीं बन पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट काम हमारा जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना है। फीचर्स इनेबल करने के बाद हम जीएसटी के मास्टर्स की एंट्री करते हैं। इसी वीडियो सीरीज की सातवीं वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जीएसटी के फीचर्स को कैसे इनेबल करते हैं, लेकिन बट यहाँ पर हम थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं। जीएसटी का फीचर्स इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन करने के बाद यहाँ पर F11 फीचर्स में जाना होता है। फीचर्स में जाने के बाद फिर हमें जाना होता है स्टेटरी एंड टैक्सेशन, जिसकी शॉर्टकट की है F3, और यहाँ पर हमें इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के फीचर्स को यस करना है, फिर सेट अल्टर जीएसटी के फीचर्स को भी यस करना है। स्टेट में आप उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका बिजनेस इस्टेब्लिश है, और रजिस्ट्रेशन टाइप में हम अपना रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे कि हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रेगुलर में हुआ है या कंपोजिशन में हुआ है, और यहाँ पर हम लोग अपना जीएसटी का नंबर भर देंगे। बाकी फीचर्स को हम अपनी ज़रूरत के अनुसार आगे मॉडिफाई करेंगे। तो जब जिस फीचर्स की मॉडिफिकेशन हमें करनी होगी उस समय उस फीचर्स के बारे में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। अभी केवल हम स्टेट, उसका रजिस्ट्रेशन टाइप और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भर के कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। फिर हम दोबारा कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से फीचर्स को एक्सेप्ट करने के बाद हम वापस गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहाँ एक एक करके हमें सारे मास्टर्स को बनाना होगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक लेजर्स के बारे में। सबसे पहले हमें लेजर यहाँ पर बनाना है सेंट्रल टैक्स का। तो ये हमारी टैली की स्क्रीन है, यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में हमें आना है, लेजर में आना है, और लेजर में आने के बाद क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें बनाना है सेंट्रल टैक्स, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे सेंट्रल टैक्स। चूंकि एक प्रकार का ये टैक्स है, इसलिए हम इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखेंगे। यह जीएसटी का एक पार्ट है, इसलिए टाइप आप ड्यूटी टैक्सेस में जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर हम सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल्स, इस ऑप्शन को इनेबल करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शन केवल हम अपने संडे डेटर्स और क्रिएटर्स के लिए इनेबल करते हैं। राउंडिंग मेथड को, अगर हम इस सेंट्रल टैक्स के अमाउंट को राउंडिंग करना चाहते हैं, यानी राउंडिंग का मतलब होता है कि उसमें जो पैसा है उस पैसे को हटा देना। अब पैसे को हटाने के लिए कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए जाते हैं, कुछ पैसे घटा भी दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा टैक्स 18 रुपये 20 पैसे आ रहा है, तो उसमें से 20 पैसा घटा कर केवल 18 रुपये ले आते हैं। और अगर टैक्स हमारा 18 रुपये 70 पैसे आ रहा है, तो उसमें 30 पैसा जोड़कर हम उसको 19 रुपये कर देते हैं। तो अगर ऐसी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। तो इस केस में हम नॉट अप्लीकेबल रखते हैं और रखने के बाद हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला लेजर हमारा है स्टेट टैक्स का। तो सेकेंड हम स्टेट टैक्स क्रिएट करेंगे। यह भी प्रकार का टैक्स है, इसलिए हम इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे और यहाँ जीएसटी सेलेक्ट करके फिर हम इसको स्टेट टैक्स में के अंतर्गत रखेंगे। अब यहाँ पे हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे राउंडिंग मेथड को और इस तरह ट्रांजेक्शन को हम एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा लेजर हमको बनाना होता है इंटीग्रेटेड टैक्स का। इंटीग्रेटेड टैक्स को इंटीग्रेटेड टैक्स को हम आईजीएसटी भी बोलते हैं, इसलिए अलियाज नेम में हम यहाँ पर आईजीएसटी भी रख सकते हैं। सेम ऐसे जब हमने सेंट्रल टैक्स का लेजर बनाया था, तो उसको सीजीएसटी भी बोलते हैं, तो अलियाज नेम में हम उसको सीजीएसटी नेम भी दे सकते हैं। अलियाज नेम का मतलब होता है उस लेजर का एक और नाम, सेकेंड नेम। अब यह भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखा जाएगा। यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी जो हम जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और टाइप टैक्स टाइप हम इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर राउंडिंग मेथड को नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और इस तरह से लेजर को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमने 3 जीएसटी के मेन लेजर बना लिए, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स। अब नेक्स्ट हमारा परचेज लोकल है और परचेज इंटर स्टेट है और तीसरा परचेज रिटर्न। अब यहाँ पर हम बनाएंगे परचेज लोकल। इस लेजर का प्रयोग हम वहाँ पर करेंगे जो अपने ही स्टेट के भीतर की किसी डीलर से गुड्स या सर्विसेज परचेज करें। तो परचेज लोकल चूंकि एक प्रकार का परचेज है, इसलिए इसको परचेज के ग्रुप में रखा जाएगा। और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर को नॉट अप्लीकेबल रखना है और इस जीएसटी अप्लीकेबल को हम अप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पर गुड्स या सर्विसेज जिस चीज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह इस्तेमाल हम गुड्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम इसको गुड्स सेलेक्ट करके और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम अगला लेजर हम लोगों का बनेगा परचेज इंटर स्टेट। इंटर स्टेट और यह भी हमारा परचेज अकाउंट के अंतर्गत होगा और यहाँ पर हम टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और हम इस तरह जो है यहाँ पर गुड सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा लेजर हम लोगों का होगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का इस्तेमाल किया जाएगा जब हम किसी गुड्स को परचेज करें अपने सप्लायर से और किसी कारणवश हम उसको रिटर्न कर दे रहे हैं, यानी गुड्स खरीद कर अगर हम उसको वापस कर दे रहे हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न के अंतर्गत करेंगे। तो परचेज रिटर्न पर भी जीएसटी लागू होता है, इसलिए हम इसको गुड्स के अंतर्गत ही रखेंगे। सेम ऐसे नेक्स्ट लेजर हम लोगों का हो जाएगा सेल्स लोकल। सेल्स लोकल का इस्तेमाल किया जाएगा अपने ही स्टेट में किसी डीलर को या किसी कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज सेल करते समय,
तो इसका ग्रुप भी होगा हमारा सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रख के हम गुड्स के अंतर्गत इसको क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेल्स इंटर स्टेट, यह भी हमारा सेल्स अकाउंट के अंतर्गत होगा, नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पर गुड्स के अंतर्गत ही रहेगा। अगला लेजर हमारा होगा सेल्स रिटर्न का, यह भी हमारा सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रहेगा, नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ गुड्स को सेलेक्ट करके हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि हम जीएसटी के मास्टर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जीएसटी मास्टर्स तो हमारे क्रिएट हो गए, अब हम ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है उसको वाउचर बाय वाउचर देखेंगे। पहले परचेज के सारे ट्रांजेक्शन, परचेज में जितने